am your science teacher of class 6. Now start the chapters of separation of substances. Clear or not? These diagrams you show here, tea leaves are separated from the liquid. Tea liquids which are stainless while preparing tea. It means जब चाय बनाते हो तो बेटा जो tea leaves होती है, चाय पत्ती होती है, उसे separate करते हो. Clear हो गया? Strainer की help से. Clear or not? So it means these process are shown in the front of you, separation tea leaves with a strainer. It means tea leaves are separated with the help of tea, ठीक है, liquids. Clear or not? With the help of strainer. तो आप देखते हैं बेटा, छलनी होती है आपके पास, के help से आप चाय पत्ती को अलग कर लेते हो liquid वाली substances. क्लियर नॉट? तो इट मीन चैप्टर का नेम ही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है. फर्स्ट डायग्राम आपका ये था जिसमें से आप क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं टी लीव्स को फ्रॉम टी लिक्विड से. क्लियर हो गया? तो इट मीन सेपरेशन क्यों जरूरी होता है पता आपको? जो इम्प्योरिटीज होती है उसको आप रिमूव कर लेते हैं जो आपके पास, ठीक है, प्योर पार्ट है उसे आप ले लेते हो. ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटा, आपके घरों में देखा होगा आपके आपकी मदर से यूज़ करती हैं, ठीक है, कर्ड होता है या आपके पास मिल्क होता है, उससे आप बटर को रिमूव करने में, तो आपको देखिए ये एक प्रोसेस होती है जिसमें उसको गोल 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 करके घुमाया जाता है, इसे चर्निंग कहते हैं. तो बटर इज टेकन आउट बाई चर्निंग मिल्क और कर्ड. इसमें मिल्क या कर्ड आप दही को इसमें डालोगे और उसको चर्निंग करोगे, गोल 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 घुमाओगे, तो इट मीन्स बटर आपके पास ऊपर आ जाता है. तो इट मीन्स दिस प्रोसेस नोन एज चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड. क्लियर नॉट? इसमें भी आपके पास बटर होता है उसे सेपरेट करते हैं. क्लियर नॉट? तो बटर आपके पास सेपरेट हो जाएगा जबकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो उसी में रह जाएगा. क्लियर हो गया? तो इट मीन्स दिस प्रोसेस आर यूजफुल और नॉट? दिस प्रोसेस आर ऑलवेज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग बटर. क्लियर नॉट? नेक्स्ट डायग्राम देखिए बेटा, दिस प्रोसेस आर नोन एज हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम गेगिन. तो इट मीन्स आपके मदर्स को भी देखा होगा आपके घरों पर भी, कभी आप थाली पर चावल लेते हो, उसको साफ करते हो, गेहूँ को साफ करते हो, उसमें बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा इंप्यूरिटीज होती है, उसको आप रिमूव कर लेते हो. क्लियर हो गया? तो इट मीन्स हैंड पिकिंग मतलब डायरेक्टली आप हाथों से कोई चीज़ को अलग कर लो. जैसे आपके पास बहुत सारे क्या है, इंप्यूरिटीज है, बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स आप अलग करके रख लेते हो. तो इट मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग. क्लियर नॉट? तो गेहूं में से हैंड पिकिंग की हेल्प से आप सारी के सारी इंप्यूरिटीज को अलग कर लेते हो. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटा, ये डायग्राम देखिए, इसमें आपके पास थ्रेसिंग. थ्रेसिंग मीन्स होता है एक बड़ा सा स्टोन होता है, उसमें एक मुट्ठा होता है आपके पास पराल का, जिसमें बहुत सारे देखेंगे आप गेहूं या चावल लग रहते हैं, आप उसको मारते हो तो जितने भी सीड्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं और आपके पास स्टॉक्स है वो आप, ठीक है, वो आपका यूजफुल नहीं हुए. तो इट मीन्स यूजफुल क्या है, जो इसमें ग्रेन्स है वो आपके पास यूजफुल हैं, ठीक है. तो इसमें थ्रेसिंग के प्रोसेस के लिए जो ग्रेन्स होती है आपके पास, गेहूँ होता है, वो आपका यूजफुल हो जाएगा. जो अनयूजफुल हो जाएगा वो स्टॉक हो जाएगा, उसको आप साइड कर लेंगे, ठीक है. दीज प्रोसेस आर कॉल्ड थ्रेसिंग. क्लियर नॉट? दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेस ऑफ योर एग्जामिनेशन. नाउ यू विल बी अंडरस्टूड फर्स्टली. क्लियर नॉट? नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए बेटा, एक लेडी देखिए आपको बहुत ऊंचाई से क्या कर रही है आपके पास, आपके घरों में आपकी मदद भी करती होंगी बहुत ऊंचाई पर जाके, ठीक है, सूप की हेल्प. सूप होता है आपके पास जिसमें आप धान या गेहूं या चावल कोई चीज डालते हैं, बहुत ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे फेंका जाता है, तो जो बहुत ज्यादा भारी होता है वो आपके पास गिर जाता है और जो बहुत ज्यादा हल्का होता है वो हवा में उड़ जाता है. तो डायरेक्शन ऑफ द एयर, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है. सूप लिया आपने, सूप की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं. तो हस्क पार्टिकल जो इंप्योरिटीज है वो उड़ जा रही है, जो हैवी पार्टिकल है वो गिर जा रहा है सामने. क्लियर हो गया? तो इट मीन्स दीज प्रोसेस आर नोन एज विनोइंग. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? बिकॉज दीज टॉपिक्स आर कमिंग्स इन यूर एग्जामिनेशन. क्लियर नॉट? नेक्स्ट है बेटा सीविंग. सीविंग के प्रोसेस देख रहे हैं आप. सीविंग के प्रोसेस में क्या होता है, छानना होता है. जैसे फ्लोर मिल में यूज़ करते हैं या कंस्ट्रक्शन, जब आपके घर के आसपास मकान बनते हैं तो आप देखते हो चीज़ें छानी जाती हैं जो बहुत. ये डायग्राम आपका सीविंग का है. दिस डायग्राम आर शोन इन द सीविंग बिकॉज दिस डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यू विल बी कंप्लीट दिस डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ सीव. तो सीव की हेल्प से आप सीविंग की प्रोसेस करते हो, जैसे आटा छानने में करते हो, ठीक है, या कभी आप आटा छानते हो, कभी सूजी छानते हो, कभी बेसन छानते हो. तो इट मीन्स ये आपके पास सीविंग की प्रोसेस होती है जिसमें बड़ी चीज़ें ऊपर ही जाती है, जो आपके पास बहुत पतला या कह सकते हैं बहुत बारीक वाली चीज़ होती है वो नीचे आती है. जैसे आप आटा छानते हो गेहूँ का आटा, तो उसमें देखते हो आप जो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें होती है ऊपर आती है, जो आपके पास महीन पाउडर फॉर्म होता है नीचे आती है. तो इट मीन्स इंप्योरिटीज को साफ करने के लिए ये प्रोसेस बहुत यूजफुल है. क्लियर है बेटा? पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी सैंड बाई सीविंग. ये भी आपके पास सीविंग की प्रोसेस है. बड़ी से छलनी होती है जिसमें रेता और बजरी को छाना जाता है. जो पाउडर वाला होता है बेटा नीचे आता है, जो बड़े पार्टिकल्स है आप पेबल्स और स्टोन्स हैं वो आपके एज इट इज ऊपर ही जाते हैं, जिसको आप सेपरेट कर लेते हो. तो इट मीन्स अभी सेपरेशन हुआ, ठीक है, सीविंग की प्रोसेस हुई, आपने ऊपर सीव की प्रोसेस पढ़ी थी, उसी प्रोसेस के आगे कंटिन्यू किया गया है जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे ऊपर आ जाएंगे, जो आपके पास पाउडर फॉर्म होगा नीचे आ जाएगा. तो इट मीन्स सीविंग की प्रोसेस हुई. क्लियर नॉट?
दीज प्रोसेस आर कॉल्ड शिविंग, क्लियर नॉट। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए आपके पास, ये है आपके पास सेपरेशन टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। तो इट मीन्स इस डायग्राम में देखिए आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें आपने क्या डालना है, लेट कर लीजिए आपने इसमें सॉइल मतलब मिट्टी डाली प्लस वाटर डाले, ठीक है। आप एक ग्लास ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें सॉइल डाला प्लस वाटर डाला, उसको मिक्स कर लिया और कुछ देर आधे घंटे के लिए उसको ऐसे ही रहने दिया स्टैंडिंग में। आप देखेंगे नीचे आपके पास, नीचे वाले पोर्शन में आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा बॉटम में, और ऊपर आपके पास लिक्विड हो जाएगा। तो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में आप जो लिक्विड वाला पोर्शन उसे डाल दोगे, और दूसरे ग्लास में आपके पास क्या बच जाएगा, अनडिजॉल्व मटीरियल सॉइल, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी सेपरेशन मेथड हुई कि आप सॉइल लिया प्लस वाटर लिया, उसको कुछ देर तक आपने आधे घंटे तक स्टैंड किया, उसके बाद जो लिक्विड वाला पोर्शन है दूसरे ग्लास में डालोगे, जबकि जो लिक्विड वाला पोर्शन नहीं है वो एज इट इज ग्लास में ऐसे ही रह जाएगा अनडिजॉल्व, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि बेटा, नेक्स्ट आपके पास सेपरेशन टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। तो इट मीन्स सेपरेट करने की प्रोसेस समझ में आ गई सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन की, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स आप ग्लास में कुछ आधे घंटे तक स्टैंड करेंगे, देन आपके पास जो हैवी पार्टिकल होंगे नीचे बैठ जाएंगे, और जो आपके पास लिक्विड एज इट इज ऊपर रहेगा, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में आप क्या करेंगे डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा। ये आपके पास फिल्टर पेपर होता है, जिसको आप फिल्टर पेपर सिंपल सा रंगे, उसको आपने एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड किया, तो आपके पास चार बार फोल्ड कर लिया आपने, एक बार दो बार तीन बार चार बार, ठीक है। चार पोर्शन आपको दिखाएंगे, उसमें से एक पोर्शन को आप निकाल लेना, तो कोन लाइक शेप बन जाएगा, फिर से आप स्टैंड पे रखना, और ऊपर से जो आपके पास क्या अनडिजॉल्व जो लिक्विड है या आपके पास जिसको फिल्टर करना है उसे आप डाल देंगे। तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर में से सिर्फ लिक्विड ही बाहर आएगा और सारी चीज़ एज इट इज़ ऊपर ही रह जाएंगी, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो इट मीन जितने भी आपके पास क्या होंगे लिक्विड वाली चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएगी, और जो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े सब्सटेंस हैं जो आपके पास फिल्टर नहीं हो सकते, वो एज अच्छे ऊपर ही रह जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। अब नमक और पानी है, उसको हीट करके जल्दी डिजोल्व कर रही, होता है ऐसा कि डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपके मिक्स होने की प्रॉपर्टी होगी, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स आपका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा टेम्परेचर में एकदम क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो डिजोल्व करने के लिए मेथड बहुत अच्छी है कि आप उसमें डिजोल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बड़े बड़े से तालाब होते हैं, बड़े बड़े से लैंड होते हैं पानी के, सी होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या होता है बेटा, नमक आता है साथ में, जब पानी आता है तो उसके साथ नमक भी मिक्स होकर आता है। अब होता क्या है, जब आपने क्या किया, बड़े बड़े तालाब और लैंड्स हैं तो गर्मी पड़ती है, धूप आती है, धूप की प्रेजेंसी में वो क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो तो उड़ जाता है, और नीचे क्या रह जाता है आपके पास, सॉल्ट रह जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए, एक देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास एक केतली रखी है, केतली में पानी रखा हुआ है, ठीक है, और उसने दूसरे हाथ पे बर्फ़ लगा रखी है, बर्फ़ रखी है, ताकि क्या होगा, केतली से जितनी भी भाप होगी वो किस पे जाएगी, प्लेट पे जाएगी, प्लेट से टकराएगा तो जो भाप गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद वो वाटर बन के नीचे आ जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंडेंसेशन, पहले इवोपोरेशन हो रहा है, इवोपोरेशन मतलब कोई चीज़ गर्म होगी ऊपर जाना, भाप बन जाना, यह कह सकते हैं गैस बन जाना, उसके बाद ठंडी होगी फिर नीचे आ जाएगी, तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन, क्लियर ना, जैसे बारिश होती है आपके पास, बताया था मैंने आपको एग्जांपल चैप्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। आपने ग्लास पानी ले लिया, उसमें आपने 1 टेबलस्पून के अप्रॉक्स सॉल्ट डाल दिया, उसको मिक्स कर लिया, तो इट मीन्स डिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है आपने देखना है, ठीक है, 1 टेबलस्पून डालोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा समरी, इसको आपको कॉपी में करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले मेथड है हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इट मीन्स हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सारी कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाई हैंड पिकिंग। तो कह रहे स्टोन्स होती हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली हाथ की हैंड की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाई विनोइंग। तो विनोइंग की प्रेजेंस, जो विनोइंग मैथड है उससे क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उसको आप क्या करते हो, अलग कर लेते हो, और जो आपके यहाँ इम्प्योरिटीज होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, हल्की होती है, जो हवा में उड़ के एक साइड हो जाती है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंट इन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट दैम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो इट मीन जो साइज अगर बड़ा होगा तो सीविंग से छलनी से छान के और फिल्टर पेपर से, ये दो मेथड्स ऐसे जिससे आप क्या करते हो, सेपरेट कर लेते हो। आपने पहले ही पढ़ा था कि जो बड़े पार्टिकल होंगे एक तो छलनी से छान के, दूसरा फिल्टर पेपर से फिल्टर करके सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवी
द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इट मीन्स आपने पानी लिया, उसमें आपने सैंड ले ली, सैंड मीन रेता ले लिया और प्लस वाटर ले लिया, उसको मिक्स कर दिया, उसको आधे घंटे तक रहने दिया। ठीक है, आगे देखिए और क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन एट द बॉटम, गिलास के तले पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन, और हम क्या करेंगे, डिकंटेशन के हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। एक ग्लास से दूसरे वाले रेस्ट करने के रखेंगे आधे घंटे, आधे घंटे के बाद एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर डालेंगे और जो ग्लास था आपका एज इट इज ऐसी रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले लेयर में क्या आपके पास सारा का सारा मटीरियल है जो बहुत हैवी है। नेक्स्ट है, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्युबल सॉल्वेंट एंड अ लिक्विड। तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से ही हम क्या सेपरेट करते हैं, इनसोल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। आपके पास ऐसा कोई सॉलिड है जो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है, और लिक्विड, क्लियर हो गया। तो फिल्ट्रेशन से बड़ी चीज़ें और क्या आपके पास लिक्विड वाली चीज़ें सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल आपके पास इंप्योरिटीज है और जो छोटे पार्टिकल्स आपके पास वो यूजफुल सब्सटेंस होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन बताया था बेटा। नेक्स्ट है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गैस कन्वर्टेड इनटू वेपर। देखो, इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिक्विड फॉर्म में थी, अब वो गैस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड गैस कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वेपर फॉर्म में आ जाएगी। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो इवेपोरेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो ये मान लीजिए कोई नमक है वो पानी में घुल गया है, तो नमक को आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि जो वाटर है वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, भाप बन के जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सॉलिड पार्ट, सॉलिड मतलब सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। तो इट मीन सैचुरेशन सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी हेल्प से, ठीक है, उसके बाद अब और सब्सटेंस, मान लीजिए ग्लास में आपने पानी ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4, 5, 6, 7, 8, आपने 8 टेबल स्पून, 9, 10 टेबल स्पून के अप्रॉक्स आपने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि और आपके पास क्या हो सब्सटेंस में डिजॉल्व होने की। ठीक है, नेक्स्ट है, मोर ऑफ अ सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व इन अ सैचुरेटेड बाय हीटिंग इट। अब आपसे कह रहे हैं कि मोर ऑफ द सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैन बी डिजॉल्व इन अ हीट, अगर उसको हीट करेंगे तभी जाके वो क्या होंगे बेटा, डिजॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है, वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन। तो वाटर डिजॉल्व करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, लेट कर लीजिए आपने 1 टेबल स्पून डाला एक ग्लास में पानी में, ठीक है, हो सकता है आपने 2 टेबल स्पून डाला, तो इट मीन्स वो अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट डाले। तो आपने 1 टेबल स्पून डालोगे तो इजीली डिजॉल्व जाएगा, 2 डालोगे इजीली जाएगा, लेकिन आप 10 या 12 डालोगे थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, परेशानी होगी उसको डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो आपको हीट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, दीज टॉपिक्स आर कम्प्लीटेड और नॉट, नाउ यू विल बी दीज समरी यू विल बी कम्प्लीटेड एंड राइट दैम फर्स्ट यू अंडरस्टूड देन यू विल राइट इन यूर फियर वर्क कॉपी, क्लियर और नॉट, एंड मिनिमम 2 डायग्राम्स इज कम्पल्सरी बेटा, कम से कम 2 डायग्राम्स कम्पल्सरी है, क्लियर और नॉट। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।